वेलकम 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 बैक टू चैनल गाइड तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केले वीडियो में तो so, आज फिर से काफी मेजर फॉल देखने को मिला है एंड आज काफी इंपॉर्टेंट डे था क्लियरली हमने बात की थी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास है मार्केट और अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो काफ़ी मेजर फॉल देखने को मिल सकता है एंड काइंड ऑफ वैसे ही मार्केट देखने को मिली गजब का पहले ही गैप डाउन ओपनिंग हुई थी एंड उसके बाद भी कंटिन्यूस डाउन मूव देखने को मिला निफ्टी में मोर देन फाइव पॉइंट्स का इंट्राडे में हमने फॉल देखा बाद में बाउंस ज़रूर आया थोड़ा लेकिन ओवरऑल मोर देन फाइव पॉइंट्स का फॉल बैंक निफ्टी में भी काफ़ी मेजर फॉल एक फिफ्टीन पॉइंट्स का टारगेट था वीकली टारगेट था वो इंट्राडे में ही इतना बड़ा फॉल हमें देखने को मिल गया तो आप जानेंगे आगे कैसी मार्केट देखने को मिल सकती है आगे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल थे अभी करंटली वो ब्रेक हुए और लोअर साइड टारगेट की भी क्या बात करें फिफ्टीन हंड्रेड पॉइंट्स का टारगेट बैंक निफ्टी में एक ही दिन में आ गया तो आगे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जानेंगे क्या ओवरऑल ट्रेंड देखने को मिल सकता है सब कुछ डिटेल में बात करेंगे लेकिन सबसे पहले चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या करना है आपको फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि डेली आप ऐसा एनालिसिस मिस ना करें और हाँ कल एक इश्यू हो गया था काफ़ी लोग लिंक के थ्रू ऐप को ओपन नहीं कर पा रहे थे तो आपने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट फड़ जाके ऐप डाउनलोड कर ले लिंक को हमने अपडेट कर दिया है जो प्ले स्टोर में एरर आ रहा था वो रिजॉल्व हो चुका है तो अब जल्दी से जाके ऐप डाउनलोड कर ले सिर्फ वहाँ पे कोर्स बाय करने का ऑप्शन नहीं है कोर्स तो आज लास्ट डे है ही आपको पता होगा जैसे जो हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है उसमें लास्ट डे है आज तो जल्दी से वहाँ जा कोर्स भी बाय कर सकते हैं लेकिन उसके अलावा भी आप ऐप ज़रूर डाउनलोड करके रखें वहाँ आपके लिए काफ़ी फ्री कॉन्टेंट भी हम ले आएंगे तो चलिए अब आते हैं हमारे एनलिसिस पार्ट पे सबसे पहले करेंगे निफ्टी का एनलिसिस तो मार्केट में एक अच्छी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और काफ़ी शार्प गैप डाउन ओपनिंग फिफ्टी सिक्सटी पॉइंट्स की नहीं मोर देन वन फिफ्टी पॉइंट्स का मॉर्निंग में ही हमें फॉल देखने को मिला काफ़ी मेजर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है उसके बाद भी कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड रहा अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो बहुत क्लियरली हमने यही बात की थी कि मार्केट में ट्रेंड फॉलो करना है आपको मॉर्निंग में क्लियर कट मार्केट ट्रेंड में वर्क कर रही है और बड़े मूव देखने को मिल रहा है आपको ट्रेंड के साथ चलना है अगर किसी भी सिनेरियो में सिक्सटीन नाइन हंड्रेड लेवल ब्रेक होता है तो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और आपको ट्रेंड के साथ ही चलना है मार्केट में और आप देखिए गज़ब का फॉल बहुत बड़ा फॉल कैच कर सकते थे आप कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड देखने को मिला और छोटा मोटा नहीं ओपनिंग के बाद भी आप देखेंगे तो 400 पॉइंट्स का निफ्टी में हमें फॉल देखने को मिला है ओपनिंग के बाद भी जहां ओपनिंग हुई थी वहां से भी 400 पॉइंट्स का फॉल डी एंड में स्लाइटली रिकवरी भी देखने को मिली और लेवल भी आपको इंट्राडे लेवल अपडेट किए थे इसीलिए कि थोड़ा आपको हेल्प आउट हो जाए वो बहुत लोग नए होंगे जिनके पास ये लेवल्स नहीं होंगे तो मैंने लेवल भी आपको मिड में अपडेट किया था सिक्सटीन थाउजेंड यहाँ हमने वर्क करते हुए भी देखा मार्केट को इस लेवल पर काफ़ी टाइम सपोर्ट भी लिया और ब्रेक होने के बाद फिर डाउनफॉल आया ठीक है यहाँ पे नेक्स्ट लेवल था सिक्सटीन थाउजेंड फोर सेवेंटी ये भी मैंने आपको अपडेट किया था तो ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूअस आप देखिए रेड कैंडल्स और मार्केट इसी लेवल तक फॉल होती है देखिए यहाँ से कंटिन्यूस इस लेवल तक फॉल हो रही है जब ब्रेक हुआ क्लियर कट और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है क्योंकि यहाँ पे लेवल था और आपको अपडेट भी गया था ये नेक्स्ट लेवल था इवन फर्दर बिलो भी गई लेकिन उसके बाद हमने आपको कोई लोअर साइड लेवल अपडेट नहीं किए थे सिक्सटीन फोर ट्वेंटी नेक्स्ट लेवल था और बाउंस में फिर देखिए आप सिक्सटीन थाउजेंड फाइव फिफ्टी पहली बार भी सपोर्ट देता है मार्केट को एंड बाद में एज अ रजिस्टेंस का भी वर्क कर रहा है यहाँ पे जब अच्छा डिसेंट बाउंस आया मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ रजिस्टेंस फेस करती है और यहाँ से दोबारा जब ब्रेकआउट मिलता है ना तो दोबारा ये एज अ सपोर्ट का भी वर्क करता है और इसके अबव ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है तो ये ओवरऑल इंट्राडे मार्केट थी जहाँ लोअर लेवल से बाउंस ज़रूर देखने को ला लेकिन ओवरऑल गज़ब का फॉल मॉर्निंग में क्लियर कट आपको यही फॉलो करना था कि ट्रेंड के साथ चलो ट्रेंड के साथ चलते तो गजब का जैकपॉट प्रॉफिट मिलता आज सिंपल से हमने यही बात की थी कि जिस साइड भी ट्रेंड हो मॉर्निंग में उसके साथ चलना है ठीक है और वही होते हुए देखा गज़ब का फॉल 400 पॉइंट्स कितना टाइम रिटर्न बन सकता है इसमें ठीक है तो होप आपका दिन अच्छा रहा होगा डे एंड में स्लाइटली बाउंस बैक देखने को मिला अब काफ़ी सारे न्यू लेवल्स होंगे क्योंकि बहुत टाइम बाद मार्केट इन लेवल्स पे आई है एंड काफ़ी लोग न्यू हैं तो उनके लिए न्यू लेवल्स अपडेट करेंगे कि मार्केट में न्यू लेवल्स क्या हैं ठीक है तो कल के लिए क्या लेवल्स हैं उनकी बात करते हैं तो देखिए लेवल सपोर्ट सिक्सटीन पहला सपोर्ट लेवल होगा आज भी वर्क किया इस लेवल ने बहुत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यहाँ पर भी काइंड ऑफ सपोर्ट लिया मार्केट ने इस पर तो पहला सपोर्ट लेवल सिक्सटीन उसके बाद सिक्सटीन थाउजेंड फोर सेवेंटी उसके बाद सिक्सटीन थाउजेंड फोर ट्वेंटी यहीं पे ऑलमोस्ट हमारा आज डे लो बना था तो कल के लिए ये तीनों सपोर्ट लेवल्स होंगे रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला लेवल कहाँ आता है सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स फिफ्टी यानी हंड्रेड पॉइंट्स पे लेवल है यहाँ पे देखो सिक्सटी थाउजेंड फाइव फिफ्टी के बाद डायरेक्टली सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स फिफ्टी ठीक है इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस सिक्सटीन थाउजेंड सेवन थर्टी और यह हमारा जोन है लेकिन मॉर्निंग से ही इस जोन के बिलो ही मार्केट वर्क कर रही थी सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड से सिक्सटीन एट ट्वेंटी सारे लेवल्स को मार्क जरूर करके रखे कहीं भी ओपनिंग हो गैप अप या गैप डाउन आपके पास लेवल्स होने चाहिए इसलिए सारे लेवल्स को मार्क करके ज़रूर रखना है और अभी भी क्या करना है कल भी ट्रेंड के साथ चलो वही चीज़ करनी है जिस साइड ट्रेंड हो उसको फॉलो करो उसके साथ चलते रहो ठीक है अपसाइड ब्रेकआउट मिले रैली को कैच करो लोअर साइड ब्रेकडाउन मिले फॉल को कैच करो यही सिंपल व्यू पॉइंट है इसी को आपको कैरी करना है लेवल्स हमने आपको बता दिए ब्रेकआउट किस लेवल के अबव मिलेगा सिंपली इस लेवल के बिलो क्लोज हुई है सिक्सटीन सिक्स फिफ्टी इसके अबव ब्रेकआउट मिलेगा कॉल्स में एंट्री करनी है पहला टारगेट सिक्सटीन सेवन थर्टी एट्टी पॉइंट्स का उसके बाद भी डिसेंट टारगेट है यहाँ भी सेवेंटी पॉइंट्स का ठीक है तो सिक्सटीन सिक्स फिफ्टी के अबव कॉल्स में एंट्री लॉन्ग्स बनाने आपको ठीक है अपसाइड ब्रेकआउट मिलेगा पुट्स में एंट्री कब करनी है 16,550 के बिलो 16,550 के बिलो पुट्स में एंट्री सिंपली जिस साइड मार्केट डायरेक्शन दे उसको फॉलो करो और उसके साथ चलते रहो फर्स्ट 15 मिनट देख लो मार्केट कहाँ जा रही है उसके बाद मार्केट के साथ चल दो ये करना है सिंपल सा ये व्यू पॉइंट है जिस साइड डायरेक्शन हो उसके साथ चलना है लेवल्स हमने आपको बता दिए लेवल्स का क्या काम है एग्जिट कहाँ करूँगा एंट्री बना ली एग्जिट टारगेट कहाँ है तो वो उसके लिए लेवल्स काम आएंगे ठीक है सिंपली कल के लिए लेवल्स फिर से एक बार अपडेट कर देता हूँ सपोर्ट सिक्सटीन फाइव फिफ्टी सिक्सटीन फोर सेवेंटी एंड सिक्सटीन थाउजेंड फोर ट्वेंटी जहाँ ऑलमोस्ट आज का डे लो बना रेजिस्टेंस सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स फिफ्टी सिक्सटीन सेवन थर्टी एंड उसके बाद आता है ये जोन सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड से सिक्सटीन थाउजेंड एट ट्वेंटी मेजर रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा मार्केट में सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड लेवल जो मॉर्निंग में ब्रेक हो चुका था और जो मेजर सपोर्ट था पहले हमारा दिखा देते हैं आपको ये ए ट्रन लाइन का लेवल था सिक्सटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड जो मॉर्निंग में गैप डाउन के साथ ही ब्रेक हो गया और तब ये गजब का फॉल देखने को मिला आज गजब का फॉल इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट था सिक्सटीन सेवन थर्टी वो भी मॉर्निंग में ही ब्रेक हो जाता है पोजिशनल लेवल जो इंट्राडे में मूव आते हैं ना जो वीकली मूव आने चाहिए थे एक दिन में ही इतने बड़े मूव देखने को मिल गए इतना मूवमेंट पूरे वीक में देखने को मिलती है लेकिन सिंगल डे में इतने बड़े मूव्स देखने को मिले ठीक है तो आप देखिए अब फर्दर लेवल्स क्या है अब यहाँ पे सिक्सटीन सेवन थर्टी भी ब्रेक हो चुका है तो यहां पे ये लेवल है 16, और यहां ये दोनों रजिस्टर सपोर्ट अब आ रहा कहावेंटी फाइव पोजिशनल लेवल्स बता रहा हूं और उसके बाद फिफ्टीन थाउजेंड नाइन एट्टी अच्छे गैप पे लेवल है यहां भी देखो 400 पॉइंट्स पे दोनों लेवल है अगर 16375 भी ब्रेक होता है तो मार्केट 15980 की तरफ जा रही है फिर फिर यहाँ सपोर्ट मिलेगा मार्केट को और यहाँ पे ये फॉल किसी भी सिनेरियो में रुक जाना चाहिए बहुत ही मेजर सपोर्ट है काइंड ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर सपोर्ट होने वाला है अब ये लेवल्स ब्रेक होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ये होगा अब मार्केट में मिड में लेवल्स क्या है सिक्सटीन थ्री सेवेंटी फाइव पर एक मिड में सपोर्ट है और ये तो ब्रेक हो चुके हैं दोनों तो वर्क करेंगे एज अ रेजिस्टेंस का पोजिशनल लेवल्स ये है इंपॉर्टेंट पोजिशनल नोट डाउन कर लीजिए इंट्राडे लेवल अलग है पोजिशनल अलग है दोनों को सेपरेट रखना है डेली इतने बड़े मूव देखने को नहीं मिलते कि डेली निफ्टी सिक्स हंड्रेड पॉइंट्स मूव कर रही है डेली ऐसा नहीं होता डेली आपको इंट्राडे लेवल्स पे ही वर्क करना होता है आज ऐसा दिन था जब पोजिशनल लेवल्स को भी मार्केट ने इंट्राडे में ही कवर अप कर दिया लेकिन डेली ऐसा नहीं होता है जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उन्हें पता है डेली सिक्स पॉइंट्स निफ्टी कहाँ मूव करता है तो ये बात हो गई निफ्टी की चार्ट ऑप्शन चेन क्या बता रही वो भी देख लेते हैं सो ऑप्शन चेन देखें अभी क्लोजिंग सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड की अबव आई है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर होवाई है टोटल वोआई देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है बहुत ज़्यादा पोजिशन ऐड हुई हैं इंटरडे में कॉल साइड लेकिन अभी भी टोटल वाई ऑलमोस्ट सिमिलर है तो यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है मेजर टोटल वाई ढूंढने की कोशिश करें कि मैक्सिमम वाईआई कहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस का है तो मेजर बिल्डअप तो अब सेवनटीन थाउजेंड पर हो चुका है कि सेवनटीन थाउजेंड को ब्रेक करना अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मार्केट में बहुत गजब का हुआ स्पेशली इस वीक की ऑप्शन चाहिए नहीं है तो स्पेशली इस वीक सेवनटीन थाउजेंड मार्केट ब्रेक नहीं करेगी तो बहुत मेजर ओ वाई बिल्डअप हो चुका है सेवनटीन थाउजेंड पर कॉल साइड मैक्सिमम ओ आई यहीं पर है और सपोर्ट की बात करें तो इतना ज़्यादा ओ आई कहीं पर भी बिल्डअप नहीं है कॉन्फिडेंस है ही नहीं पुट राइटर्स को कि कहीं पर भी कोई मेजर सपोर्ट बिल्डअप किया जाए सिक्सटीन थाउजेंड एक लेवल है वहाँ पर थोड़ी पोजिशन सैड है सेवेंटी फोर थाउजेंड अदरवाइज़ कोई इतना ज़्यादा ओ वाई कहीं पर भी नहीं बना है थर्टी फोर्टी फिफ्टी थाउजेंड इतना ज़्यादा ओ आई है सिर्फ वन लाख के आसपास कहीं भी ओआई नहीं है सिक्सटीन थाउजेंड पे ओआई है वहाँ भी सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है इमीडिएट लेवल्स की बात करें ये तो बड़ी रेंज पता लग रही है सिक्सटीन थाउजेंड से सेवेंटीन थाउजेंड लेकिन इमीडिएट कहाँ सपोर्ट रजिस्टेंस है तो सपोर्ट आ रहा है सिक्सटीन फाइव हंड्रेड पे ओ आई है फिफ्टी एट थाउजेंड हमारा पुट साइड एंड कॉल साइड ट्वेंटी एट थाउजेंड रजिस्टेंस देखें तो वो आ रही है सिक्सटीन सेवन हंड्रेड पे कॉल साइड ओआ सेवेंटी एट एंड पुट साइड फोर्टी थाउजेंड ठीक है तो ये काइंड ऑफ रेंज कल के लिए पता लग रही है हो सकता है कल हम सिक्सटीन फाइव हंड्रेड से सिक्सटीन सेवन हंड्रेड इस रेंज में वर्क करते हुए दिखे ठीक है कल के लिए ये एक रेंज हो सकती है जो करंट ऑप्शन चेन से हमें दिख रहा है कि हो सकता है इस रेंज में कल मार्केट वर्क करें पे वैसे हमने आपको बता ही दिया है कैसे आपको ट्रेड्स बनाने और ओवरऑल क्या लेवल है ऑप्शन चेन के डाटा से काइंड kind ऑफ of ये इंडिकेशन मिल रही है क्योंकि जो मेजर सपोर्ट्स है वो पास नहीं है अपसाइड देखेंगे फोर हंड्रेड पॉइंट्स अब है लोअर साइड देखेंगे फाइव हंड्रेड पॉइंट्स बिलो है तो काफ़ी ज़्यादा दूर है तो उनसे कोई क्लियर कट आइडिया नहीं मिल रहा तो एक इमीडिएट रेंज टू हंड्रेड पॉइंट्स की बन रही है लेकिन एक ब्रॉडर रेंज भी बन रही है वो है थाउजेंड पॉइंट की ठीक है तो ये बात हो गई निफ्टी की चार्ट पे भी एंड ऑप्शन चेन पर भी अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट डेव था और वहाँ के जो टारगेट्स थे वो एक दिन में ही देखने को मिल गए ओपनिंग यहाँ भी गैप डाउन हुई और यहाँ भी सेम डिस्कशन थी कि ट्रेंड के साथ चलना है जिस साइड भी मार्केट मॉर्निंग में मूव करे ट्रेंड के साथ चलो ठीक है और यहाँ डिस्कशन थी कि अगर थर्टी फाइव सेवन हंड्रेड के बिलो ही ओपनिंग होती है तो क्लियर कट मेजर डाउनफॉल देखने को मिलेगा मेजर फॉल आएगा मार्केट में और टारगेट क्या था वैसे तो पोजिशनल टारगेट था लेकिन इंट्राडे में ही आ गया टारगेट था थर्टी फोर थाउजेंड वन फिफ्टी यानी फिफ्टीन हंड्रेड पॉइंट से ज़्यादा का फॉल एक्सपेक्टेड था कि अगर इसके बिलो ही मार्केट ओपन होती है तो मेजर फॉल आएगा ये बहुत ही मेजर सपोर्ट था एक बार मैं दिखा देता हूँ पोजिशनल चार्ट पे, ताकि आपको क्लियर हो जाए मैं किन लेवल्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए बैंक निफ्टी का पोजिशनल चार्ट ये ट्रेंड लाइन थी हमारी सपोर्ट की इसका लेवल था थर्टी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड जो काइंड ऑफ ब्रेक हो चुकी थी फ्राइडे को और आज था कि अगर इसके बिलो मार्केट ओपन होती है तो इसकी कन्फर्मेशन मिल जाएगी और क्लियर कट डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा इस ट्रेंड लाइन तक इस लेवल तक जो था थर्टी फोर थाउजेंड वन फिफ्टी और वो एक ही दिन में हमें देखने को मिल गया ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग ये लेवल था और अब ये बहुत मेजर है क्योंकि ये ब्रेक हुआ ना तो इस बार फिफ्टीन हंड्रेड पॉइंट्स नहीं इस बार फॉल आएगा टू थाउजेंड पॉइंट का नेक्स्ट सपोर्ट इसके बाद थर्टी टू थाउजेंड वन सिक्सटी पे है अगर थर्टी फोर थाउजेंड वन फिफ्टी ब्रेक होता है तो सीधा टू थाउजेंड पॉइंट पे सपोर्ट है फिर तो बहुत मेजर अब ये लेवल आपको पोजिशनली याद करना है जैसे इसके बाद एक मेजर फॉल देखने को मिला उसी काइंड से यहाँ भी देखने को मिल सकता है अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है फिर से क्लोजिंग बेसिस पे इंट्राडे में काइंड kind ऑफ of थोड़ी देर गई थी आज इसके बिलो मार्केट लेकिन फिर बाउंस बैक में अबव साइड की क्लोजिंग देखने को मिली पोजिशनल लेवल होप आपको क्लियर हो चुके हैं इंट्राडे लेवल्स की बात कर लेते हैं और ट्रेड कैसे बनाने कल पोजिशनल तो आपको बताएंगे कि ओवरऑल मार्केट जहाँ कहाँ रही है इन क्या ट्रेड्स बनानी है तो गैप डाउन ओपनिंग हुई उसके बाद क्लियर कट डाउनफॉल यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स कहाँ थे कहाँ मार्केट ने वर्क किया लेवल्स भी आपको अपडेट कर देता हूँ यहाँ साथ ही यहाँ लेवल था थर्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड ये लेवल था थर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड यहाँ पर लेवल है थर्टी फोर थाउजेंड फाइव फिफ्टी इसके बाद ये लेवल है थर्टी फोर थाउजेंड टू फिफ्टी ये मैंने आपको अपडेट भी किया था और थर्टी फोर टू फिफ्टी टेलीग्राम पर हमने अपडेट किया था आपको और काइंड ऑफ वर्क भी किया इस लेवल ने आप देखिए सपोर्ट लिया मार्केट ने यहाँ से बाउंस आया फिर काफी टाइम यहाँ स्पेंड किया फाइनली जब ब्रेक हुआ तो एज अ रेजिस्टेंस का भी वर्क करता है और फिर यहाँ से डिप ऑलमोस्ट थर्टी फोर थाउजेंड तक हमें देखने को मिला थर्टी फोर थाउजेंड यहाँ लोअर साइड नेक्स्ट लेवल है वहाँ से जब बाउंस आया तो भी ये लेवल वर्क करता है आपको अपडेट किया था थर्टी फोर टू फिफ्टी मार्केट यहीं देखिए रेजिस्टेंस फेस कर रही है फाइनली ब्रेक होने के बाद यहाँ भी आप मूव देखने को मिला ठीक है तो ये ओवरऑल इंटरनेट मार्केट थी क्लियर कट मेजर फॉल और यहाँ भी सिंपल डिस्कशन थी कि ट्रेंड के साथ चलना है जिस साइड मार्केट ट्रेंड में मूव करे उसके साथ चलो और गजब का फॉल यहाँ भी आप कैच कर सकते थे सिंपल व्यू पॉइंट था और थर्टी फाइव सेवन हंड्रेड ब्रेक हो इसके बिलो ओपनिंग हो तो बहुत ही क्लियर का था कि मेजर फॉल आएगा बहुत मेजर लेवल था ये मेजर ट्रेंड लाइन पिछली बार मार्केट ने होल्ड की थी लेकिन इस बार ब्रेक किया और मेजर फॉल हमें देखने को भी मिल गया रिश्वनल मेजर लेवल है थर्टी फोर लेकिन इंट्राडे कल के लिए क्या लेवल्स हैं एक बार वो आपको ट्रेड्स और लेवल्स बता देता हूँ फिर से एक बार मैंने यहाँ पे तो बता दिया मूव्स के अकॉर्डिंग लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ सारे लेवल्स और कैसे ट्रेड बनेगा रजिस्टेंस थर्टी उसके बाद थर्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड यहाँ पर थर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड लेवल ये सारे रजिस्टेंस लेवल है सपोर्ट थर्टी फोर टू फिफ्टी वही जो आज इंट्रा में टेलीग्राम पे अपडेट किया था एंड उसके बाद थर्टी फोर थाउजेंड यारे सपोर्ट लेवल से है. ट्रेड कैसे बनाना है ट्रेंड के साथ चलना है ना बता दिया थर्टी फोर फाइव फिफ्टी ब्रेक हो अप ट्रेंड कॉल में एंट्री टारगेट थर्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड ये ब्रेक हो फिर कॉल में एंट्री टारगेट ये रहा ठीक है सिंपल अपसाइड के लिए व्यू पॉइंट पुट्स में एंट्री कब करनी है थर्टी फोर टू फिफ्टी के बिलो ट्रेंड के साथ चलना है पुट्स में एंट्री करो टारगेट थर्टी फोर थाउजेंड ये आपका टारगेट होगा सिंपली ट्रेंड को फॉलो करना है लेवल्स आपको बताए हैं ताकि आप एग्जिट कर पाए एंट्री में ट्रेंड को फॉलो करो बहुत सिंपल व्यू पॉइंट है अभी मेजर मूव देखने को मिल रहे हैं बड़े मूव देखने को मिल रहे हैं तो पोजीशन साइजिंग थोड़ा कर लो क्योंकि अब छोटी क्वांटिटी से ही बड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता है बड़े मूव देखने को मिल रहे हैं ठीक है रेंज बाउंड मार्केट में होता है कि छोटे छोटे आपको मूव्स कैच करने होते हैं लेकिन अब तो काफ़ी बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं फिफ्टीन पॉइंट्स का फॉल एक दिन में तो आप देखो कितना बड़ा मूव आया है ठीक है तो ये सारे लेवल्स हैं होप बहुत निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है इसके अलावा जो हमारा अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है उसका लास्ट डे है जिसपे आप चाहे तो डिस्काउंटेड प्राइस पे अपने कोर्स में सीट बुक कर सकते हैं ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर ले उसके थ्रू भी आप मुझसे इंट्रैक्ट कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर